ॐ भद्रं न अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 क्रिया प्राणायाम के बात में बहुत कुछ प्रश्न जो लोगों के मन में आता है जो साधक इसका अभ्यास करते हैं वो बार बार पूछते हैं जो कुछ साधारण जो कुछ अति साधारण यानी अति बेसिक चीज को बोलते हैं मौलिक प्रश्न उन प्रश्नों में से एक है कि ये जो क्रिया प्राणायाम है इसे इस नाक से श्वास लेना है या मुख से श्वास लेना है बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि कुछ संस्थाएं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं दो है भारत में और बाहर में मिलाए तो तीन चार होंगे वो मुख से श्वास लेने को सिखाते हैं क्यों सिखाते हैं उनके पीछे इसका लॉजिक क्या है वो वो लोग ही बता पाएंगे हम तो नहीं बता पाएंगे लेकिन ये मुंह से श्वास लेने का विधा नहीं है ये नाक से श्वास लेना का विधा है मुख से हम कब श्वास लेते हैं तीन प्राणायाम साधारणतः तो योग में मिलता है शीतली सदंत शीतकारी जो मुख से श्वास लिया जाता है इसलिए लिया जाता है कि जब ग्रीष्म काल में शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए और ये क्रिया किया जाता है उन ही स्थानों में जो ग्रीष्म प्रधान है शीत प्रधान देश में शीत समय शीत की शीतकाल में मुख में श्वास लेने का विधा नहीं है ये सिर्फ ग्रीष्म काल में ग्रीष्म समय में शीतली सीतंत शीतकारी किया जाता है शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए शरीर में ठंडी लाने के लिए गर्मी से रक्षा पाने के लिए जहाँ तक प्राणी की ऊर्जा का विकसित करके सुषुमना मार्ग में मूलाधार में सहस्त्रार्थों को लेने की विधा है इसी में मुख से श्वास लेने की विधा मैंने तो किसी शास्त्र में देखा नहीं किसी ने देखे होंगे तो बताए तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए लेकिन अब तक तो मैंने देखा नहीं किसी शास्त्र में जी हाँ मुख से श्वास ले प्राणी की ऊर्जा को सुषुम करके फिर मूलाधार से सहस्र को ऊपर को लेना जितनी भी विधा है सब नाक से श्वास लेना का विधा है एक साधारण भाषा में कहा जाए तो हमारे गाँव नाक है श्वास लेने के लिए मुख है खाना खाने के लिए पानी पीने के लिए बात बोलने के लिए जब आदमी बीमार पड़ जाता है बीमार आदमी को नाक से खाना खिलाया जाता है वो मुँह से श्वास लेता है तो मुख से श्वास लेना किसी प्रकार के वैज्ञानिक विधा भी नहीं और प्राण को प्राणी की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए कोई शास्त्रीय विधा मेरी जानकारी में नहीं है और किसी के जानकारी में होगा तो अलग बात है तो इसीलिए नाक से ही सांस लेना है ये एक बहुत साधारण प्रश्न है जो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे साधक पूछते हैं दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है क्या है? जो क्रिया प्राणायाम है इसको इसमें या क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम कहते हैं या मूल क्रिया कहते हैं इसको क्या ना? गले से सांस को खींचना पड़ता है क्योंकि कुछ कुछ लोगों के गुरुओं ने इसे बताए हैं कि गले से सांस को खींचो बताए तो हैं गलत तो नहीं बताए हैं सही बताए हैं लेकिन इसको कैसे करना है वो सही ढंग से उनको समझा नहीं पाते सही ढंग से समझा नहीं पाने के कारण जो साधक वो उनसे समझ नहीं पाते फिर दूसरे जगह में जाके पूछते हैं कि कैसे गले से श्वास को कैसे खींचना है ये एक छोटा सा टेक्निक है इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा विचित्र नहीं है ये क्या करना पड़ता है थोड़ा चीन लप ये जो चीन है ना थोड़ी है इसको थोड़ा लप कर देना पड़ता है ऐसे करके ऐसे करने से क्या होगा आपका शरीर गरीबा और सम और सौर सम हो जाएगा जैसे भगवदगीता में भगवान ने बोले हैं समकाय शिरोग्रीवम धारायन अचलन स्थिर वो सम हो जाएगा नहीं तो ऐसे होने से नहीं होगा ये दूसरी विधा भी है जैसे कि पूरा जलंधर लगा के श्वास को खींचना है लेकिन ये पूरा जलंधर लगा के खींचना विधा भी नहीं है थोड़ा हल्का सा इसको आप सम्यक जलंधर बोल सकते हैं हल्का सा है इसको ऐसे कर देने से क्या होगा ये जो गला के पास ये जो श्वास नली है ये थोड़ा प्रेस हो जाएगा थोड़ा प्रेस संकुचित हो जाएगा संकुचित हो जाने से क्या है जब श्वास साधक खींचेगा या श्वास छोड़ेगा खूब तीव्रता के साथ श्वास का गति होगा जैसे नाग श्वास छोड़ता है जैसे शब्द आता है इसी तरह इसको थोड़ा कर देने से श्वास में शब्द आएगा इसीलिए कुछ कुछ लोग पूछते हैं क्या ये उज्जोई जैसा है उज्जोई प्राणायाम है उज्जो प्राणायाम तो नहीं है लेकिन उज्जैी जैसा है इसमें है सबसे मूल चीज क्या है श्वास का गति तो शार्प हो जाता है तीक्ष्ण हो जाता है वो लेना और छोड़ना लेकिन साधक का दृष्टि इन सब चीज़ों के ऊपर रहता नहीं साधक का दृष्टि श्वास लेते समय मूलाधार से सहस्रार तक ऊपर फिर श्वास छोड़ते समय सहस्रार से मूलाधार तक सुषुमना में घूमता है यानी जब श्वास ले रहा है मूलाधार से धीरे 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 करके श्वास को ऊपर तक उठाना है फिर श्वास को ऊपर से धीरे धीरे यानी नीचे तक छोड़ना है नहीं आपका जो ध्यान है वो सुषुमना में मूलाधार से तक उठेगा फिर सहस्रार से नीचे मूलाधार तक जाएगा ये है विधा लेकिन थोड़ा हल्का चिन्ह करते से जब फ्रेश हो जाएगा श्वास में शब्द आ जाएगा श्वास का गति तीव्र होगा और इससे शब्द ध्वनि से क्या होगा कि एकाग्रता बढ़ेगा और एक प्रश्न जो साधारण प्रश्न पूछा जाता है वो है क्या ये जो क्रिया ब्रीदिंग है ये सेक्शनल ब्रीदिंग है या नहीं क्योंकि ये प्रश्न सेक्शनल ब्रीदिंग मैंने एक एक अंश का ब्रीदिंग ये बात क्यों आता है आजकल जो योग जो स्कूल सब बहुत सारे हो गए हैं और अच्छे व्यावसायिक दृष्टिकोण में सफल भी हो रहे हैं बहुत सारे देश विदेश से ज़्यादातर लोग आते हैं इसको सीख के अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए स्वास्थ्य बनाना भी बहुत बड़ा बढ़िया चीज़ है ये लोग सब सिखाते हैं क्या सिखाते हैं एबडोमिनल ब्रीदिंग मैंने पेट को ऊपर करो नीचे करो ऊपर करो नीचे करो ऊपर करो नीचे करो एबडोमिनल ब्रीदिंग फिर सिखाते हैं थोड़ा सिक बीधी. पेट से श्वास नहीं लेके छात से इसको ऊंचा करो तो नीचा करो तो ऊंचा करो तो नीचा करो तो 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 संकोचन प्रसारण संकोचन प्रसारण पेट का संकोचन तो प्रसारण सीने का संकोचन तो प्रसारण फिर जो तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसको बोलते हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग फिर बोलते हैं अपर तो लोबार ब्रीदिंग यानी ये यहीं से श्वास लो यहीं से श्वास छोड़ो ऊपर ऊंचा करो सांस फिर छोटा हो जाएगा तो ये जो विधा सिखाते हैं तो इसीलिए लोगों में सब सीख के आते हैं तो प्रश्न पूछते हैं ये कैसा ब्रीदिंग है एबडोमिनल ब्रीदिंग है यानी पेट से श्वास लेना है या सीने से लेना है या गले से लेना है ये क्रिया ब्रीदिंग जो है वो संपूर्ण संपूर्ण प्राणायाम है एक एक अंश का नहीं इसमें जो शरीर का तीनों अंश का संकोचन होता है तीनों अंश का एबडोमिन का थोरासिक रिजियन का और अपर लोअर रिजियन का यानी पेट का सीने का और गले का सबका श्वास लेते समय प्रसारण होता है फिर सबका श्वास लेते समय संकोचन होता है इसलिए ये संपूर्ण श्वास का प्राणिक श्वास का जो प्राणी की विधा है उसी का क्रिया है इसमें सिर्फ एक अंश को छोटा बड़ा नहीं किया जाता क्योंकि श्वास को बहुत लंबा किया जाता है फिर श्वास को जब लंबा किया जाएगा यहाँ एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा जैसे क्या है कि हम जब साधारण रूप में श्वास लेते हैं जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं टाइडल ब्रीडिंग टाइडल माने जैसे समुद्र में ढे आता है ना जो जितना ढे आता है थोड़ा समुद्र पूरा है वो तो थोड़ा सा आता है इसी तरह हमारा जो साधारण श्वास है इसमें हम पाँच सौ फाइव हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घनों सेंटीमीटर वायु अंदर लेते हैं फिर पाँच सौ घनों सेंटीमीटर वायु बाहर को छोड़ते हैं लेकिन हमारा जो फेफड़े हैं इनका कैपेबिलिटी क्या है इनका सामर्थ्य है पाँच हजार घन सेंटीमीटर वायु धारण करने का लेकिन हम लेते हैं सिर्फ पाँच सौ यानी एक दशमांश श्वास लेते हैं और एक दशमांश श्वास छोड़ते हैं लेकिन जब हम क्रिया करते हैं इसी को धीरे धीरे बढ़ा के तीन हजार घनों सेंटीमीटर तक श्वास लेते हैं और तीन हज़ार घनों सेंटीमीटर तक श्वास छोड़ते हैं इसका मतलब हुआ हम जो साधारण श्वास है इसका छ गुना ज़्यादा श्वास लेते हैं छ गुना ज़्यादा श्वास छोड़ते हैं इससे हमारे जो शरीर में वायु का निर्गमन ज़्यादा होता है और वायु का अंदर जाना भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे क्या होता शरीर के जो रक्त कणिका में जो रक्त में बॉडी के जो जितने भी फ्लूइड से इन सब को अम्लोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये तो इससे बॉडी क्या होता है बॉडी अल्कलाइन हो जाता है यानी अम्ल से खैरों की तरफ धीरे 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 बढ़ता है तो ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है लेकिन इसमें जो मूल चीज़ है वो है ध्यान मूलाधार से सहस्रार तक सहस्रार्थ से मूलाधार तक जब हम टोटल ब्रीदिंग करेंगे यानी तीन हजार घन सेंटीमीटर श्वास अंदर लेंगे और इतना ही छोड़ेंगे तब तो फिर एक सेक्शनल ब्रीदिंग करके वो नहीं होगा वो टोटल ब्रीदिंग ही होगा वो संपूर्ण चीज प्रसारण होगा संपूर्ण संकोचन होगा तो उप जा के होगा नहीं तो होगा नहीं और एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो है इसमें त्रिबंध लगता है या नहीं त्रिबंध यानी जलंधर उड्डियान और मूलबंध ये तीन बंधों का महत्व तो हटो योग साधना में बहुत ज़्यादा दिया गया है जो जो योग शास्त्र है इनमें इसका वर्णन है उपनिषदों में भी इनका वर्णन है ये तीन बंधों का ज़्यादातर प्राण का जागरण और सुषुमना में उसी का ऊपर मूलाधार से सस्रार को उठाने के लिए ये तीन बंधु का प्रयोग वर्णन है अरे ये कोई गलत विधा नहीं है वो सही विधा है लेकिन इसको जब हटो साधक करता है एक जो सक्षम गुरु आजकल तो ऐसे कोई भी गुरु बन जाता है जो सक्षम गुरु ये साधना जो कर चुका है उसी के तत्वावधान में प्रत्यक्ष तत्वावधान सिर्फ तत्वावधान नहीं उसके प्रत्यक्ष तत्वावधान में रह के करता है क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर क्या होगा जो बोलते हैं हमारा कुंडली नहीं जाग गया फिर शरीर में बीमारी आ गया फिर मानसिक समस्या आ गया लोग कुछ कुछ पागल जैसा भी हो जाते हैं ये सब किसी लिए होता है कि शरीर तैयार नहीं होता सुसुमन में जो प्राण का आवागमन के लिए चाहे ऊपर जाना नीचे जाने के लिए रास्ता खोल, खोला नहीं हो, हुआ होता जबरदस्त करके जगा देने से इस बंध से जबरदस्ती जग जाता है फिर साधकों को प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग टेक्निक है तो इसको करने के लिए प्रत्यक्ष गुरु, गुरु के समक्ष समर्थ गुरु के प्रत्यक्ष तत्वावोधान तो दो चीज़ समर्थ गुरु और प्रत्यक्ष तत्वावधान में करना चाहिए ऐसे करने से होगा नहीं लेकिन योग विधा में ये तीनों चीज होता है लेकिन हठ योग में जैसे प्रत्यक्ष रूप में किया जाता इसी तरह प्रत्यक्ष रूप में किया नहीं जाता ये परोक्ष रूप में किया जाता है यानी इस तरह बंद जलंधर लगाया नहीं जाता हल्का चल होता है थोड़ा परोक्ष जलंधर होता है जब श्वास छोड़ता है तब ये जो पेट का जो मांसपेशी है जिसको आबडोमिनल रेक्टी मसल कहते हैं वो अंदर जाता है जब को श्वास को छोड़ते हैं जब श्वास लेते हैं ये ऊपर आता है इसी तरह श्वास छोड़ने के समय उड्डयान होता है लेकिन हल्का प्रत्यक्ष रूप से जिसे हटोजोग में किया जाता है ऐसा नहीं और ज़्यादा जब श्वास छोड़ते हैं जो आनल्स फिंकटर मसल जो गुदा के जो मांसपेशी है वो ऊपर को उठता है खींच के संकुचन हो के फिर श्वास लेने समय ये धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है इसी तरह मूलबंध का क्रिया भी होता है लेकिन हल्का परोक्ष रूप से यानी क्रिया प्राणायाम में या क्रिया में ये तीनों बंध बहुत सूक्ष्म रूप में परोक्ष तो रूप में धरो उडयान और मूलबंध होता है प्रत्यक्ष रूप में होता नहीं लेकिन जैसे हटजोग में साधक जो क्रिया को करता है उसी में ध्यान लगा रहता है इसी में उसी में ध्यान लगा रहता नहीं बंधों में ध्यान लगा रहता नहीं ध्यान सुषुमना के अंदर रहता है प्राण के आवागमन के साथ यानी श्वास लेते समय मूलाधार से तक और श्वास छोड़ते समय सहस्रार से मूलाधार तक ये श्वास का ध्यान उधर रहता है इसी तरह त्रिबंध लगाया जाता है लेकिन हल्का परोक्ष रूप से ध्यान रहता है सुसुमना में श्वास के ऊपर जाना नीचे आने के साथ इसी तरह क्रिया प्राणायाम में इन चीज़ों को किया जाता है मूलाधार से श्वास लो सहस्रार तक सहस्रार से श्वास छोटो मूलाधार तक लंबा श्वास होगा श्वास एक तान में चलेगा श्वास में तीव्रता रहेगा श्वास में शब्द रहेगा और ध्यान सुशुभना में श्वास के साथ ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये जो तीनों बंध ये पेसिबली होगा परोक्ष रूप से होगा नाक में श्वास लेना होगा मुख में नहीं और गला संकुचित रहेगा श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय टोटल ब्रीदिंग होगा सेक्शनल ब्रीदिंग नहीं संपूर्ण प्राणायाम सारा शरीर का एक हिस्सा संकोचन एक हिस्सा प्रसारण होगा ऐसा नहीं पूरा तीनों पेट सीना और गला सबका प्रसारण होगा सबका संकोचन रहेगा लेकिन ध्यान उसमें रहेगा नहीं इसी तरह क्रिया प्राणायाम को किया जाता है ओ। शान्तिः शान्तिः शान्तिः